टू टू द पावर टू द एन। पावर एन। अच्छा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? टू का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है। अच्छा दूसरा चीज एक नोट करके और बोलते हैं कि नल सेट सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। ये बात सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बात सही है? यस सर। सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पावर सेट ये भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। यस सर। तो क्या होता है? ये हो जाता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, बस इतनी ही बात है। इसको इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी ए से। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ, एक सेट ए है ए वन। ठीक है, तो इसका पावर सेट कितना हो जाएगा? सेट ऑफ सबसे पहले तो फाइव, फिर सेट ए, फिर सेट वन, फिर सेट ए वन। इसमें बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, वही हो जाएगा टू का पावर एन। अब आप लोग एक एग्जांपल कीजिए, इफ एन ए इक्वल्स टू टू देन number of elements in PA कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 equals to 4। अब आपको बताना है P of इसमें कितना एलिमेंट होगा? चलिए कैलकुलेट करके बताइए। 256। आने दीजिए और लोगों का आंसर देखते हैं। एक आया 256। कौन बोला ये 256? रवि। हाँ रवि 256। सर 256 आ रहा ना? ठीक सर 256। ठीक है प्रीति। सर 256 आ गया ना? देखो yes. अब देखो पीए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 का पावर 2 निकाल लिया हमने, 4। तो 2 का पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट आ गया। तो P of A में कितना हो जाएगा? तो देखो इसमें है तो 2 का पावर 4 आ जाएगा, तो मतलब 16। सो नेक्स्ट स्टेप में P of A में कितना एलिमेंट आ जाएगा? तो 2 का पावर 16। कैसे 256 बोल रहे थे? 2 का पावर 16 कितना होता है? नहीं 256 नहीं होगा, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। कहीं यहाँ पे PA equals to 4 होगा, तो PA में 4 है, तो P of PA में 2 का पावर 4 होगा 16, तो P of A में 2 का पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके पूछ सकते हो, या ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कॉल, ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन छोटा छोटा सा बोलते जाना बस। 3, 7, 11 सही है या गलत? सही है। सही है। ट्रू ट्रू सर।
True or false? False. False. True. True है सर. True होगा या false होगा? सब true. So cancel. Not belong. True होगा सर. True होगा. True होगा सर. यही तो मैं पूछ रहा था ना. अच्छा. Three belongs to A. True or false? True. Three is a subset of A. ये true हो जाएगा ये? बेसिक चीजें हम लोग क्लियर हो रहा है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. एक सेट ए है 1, 3 और ये 1, 5. अब बताओ थ्री इज अ सबसेट. थ्री बिलोंग्स टू ए. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. 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 अच्छा सेट 1 बिलोंग्स टू ए. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. True. Set 1 belongs to A. True or false? True. True. बिल्कुल सही. ये set 1 यहाँ पे true belong कर रहा है, ठीक है? अच्छा. Set 3 belongs to. Set 3 belongs to A. True or false? False. 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 ठीक है? अच्छा. Set of set 1. Is a subset of A. True or false? True. वो क्या समझ ही रहे हो तुम लोग? अच्छा अब next topic पे आ जाते हैं हम लोग. That is universal set. देखो ये subjective set होता है. Subjective मतलब हर problem to problem depend करता है. तो मैं पहले definition लिख देता हूँ. The set containing all possible elements, set containing क्या बोल रहे क्या सबको अनम्यूट कर दीजिए ना. सबको अनम्यूट कर दें कि सबको म्यूट कर दें? आवाज आ रहा है जैसे हवा का जैसे कुछ. सब कोई म्यूट ही लग रहा है. अच्छा ओ हम एक्चुअली मेरे पास ही हवा आ रहा होगा. एक रुक जाओ मैं फैन ये वाला बंद कर देता हूँ. सही बोल रहे हो. बाकी लोगों का नहीं मेरा यहाँ. ठीक है अब कुछ कम हुआ? यस सर अब ठीक है सर. अब ठीक है ना? हाँ तो देखो ऐसा कभी कोई भी दिक्कत हो रहा है ना तो पहले तुरंत पॉइंट आउट करो ताकि उसको हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेंगे. ठीक है चलो. तो सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट. इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं दो सेट की बात करूं सिर्फ दो सेट की बात करूं 1, 2 और बी हो गया 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है तो देखो अब इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट कम से कम वो सेट होगा उसको यू से डिनोट करते हैं जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट तो हो ही. तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया. लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है. कोई लिखना चाहे तो इस यूनिवर्सल सेट को ये भी लिख सकता है कि चलो इन दोनों सेट के कॉन्ट्रास्ट में ये भी यूनिवर्सल सेट है ये भी यूनिवर्सल सेट है. कोई लिखना चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 100 तक ये भी यूनिवर्सल सेट. बट अगर कोई लिखना चाहे ऐसे 2, 3, 4, 5 अप टिल इनफिनिटी तो क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा? नो सर. नो सर. क्योंकि फर्स्ट सेट का तो ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है. तो अब आप लोग समझ गए यूनिवर्सल सेट क्या होगा. हर क्वेश्चन में हो सके यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है. सेम क्वेश्चन में दो लोगों ने यूनिवर्सल सेट जो लिया है वो डिफरेंट हो सकता है. लेकिन अगर एग्जाम में दो सेट दे रहा है ना
तो उसका यूनिवर्सल सेट लेने के लिए आप लोग क्या कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो, ठीक है। सबसे कम सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दोनों को कंबाइन करने पे जो सेट आता है, ठीक है। सर 1 टू इनफिनिटी होगा? 1 टू बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 1 टू इनफिनिटी होगा, 1 2 3 ये भी इनफिनिटी होगा। बस तुम बात ये है ना कि बस ये दोनों सेट आ जाने चाहिए, माने यूनिवर्सल सेट का ए और जितने भी सेट की तुम बात करो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को लिखता हूँ कि इन ए कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्स एवरी सेट is the subset of universal in context every set is the subset of universal, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, ठीक है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। देखो तो वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसको रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सेट को इस तरह के सर्कल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी में सेट का में तो यूज होता ही है, और भी बहुत जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देखते चलेंगे। मान लिया एक सेट है ए 1 2 3 7 मान लेते हैं, और बी एक सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं 6 7 9, ठीक है। तो कम से कम यूनिवर्सल सेट बताओ तो क्या हो जाएगा, कम से कम यूनिवर्सल सेट 1 2 3 7 9, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2, लिख लेते हैं कम से 1 2 3 6 7 9, कम से कम इससे काम चल जाएगा। कोई लिखना चाहे U1 ये भी लिख सकते हैं, 1 से लेके पूरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा काम इससे भी चल जाएगा। तो लेट्स से फिलहाल के कॉन्ट्रास्ट इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट मानते हैं। 1 2 3 सारे एलिमेंट है ना इसमें, बिल्कुल है। तो देखो इसका जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक मान लो कि इस तरह से ले लिया एक, तो इसको क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसके अंदर दो सेट ले लिया हमने, एक सेट इस तरह से ले लिया और एक सेट इस तरह से ले लिया, मतलब ठीक है, दिख रहा है? Yes. ये मान लो ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 7, ठीक है ना। तो मान लो और सेट बी में कितने होंगे, 6 7 9, नहीं तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, हाँ नहीं सही है। देखो अब बताओ ए में 1 2 3 7 है और बी में 6 7 9 है, तो ए में क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे कहीं होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा इधर। अच्छा 7 जो है ए में भी है और बी में भी है, तो उसको कॉमन पार्ट वाले में लिख, 7 को इसमें लिख दिया, और सिर्फ बी में कौन कौन सा है, 6 है 9, तो ये जो हुआ ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है।
अब देखो इसके हिसाब से, इस यूनिवर्सल सेट के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट इसी में आ गए, सही है। बट अगर लेट से अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट ऐसा ले लिए होते, ऐसा ले लिया होते कि यूनिवर्सल सेट लेट से हम बोलते कि 1, 2, 3 अप टिल 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे बताओ तो 1, 2, 3 तो कहीं 4 आना चाहिए इधर, 5 आना चाहिए, 6 इधर है, 7 इधर है, कहीं ना कहीं इधर 8 आना चाहिए और 9 इधर है ही, और यहाँ पे कहीं 10 आना चाहिए। तो क्या ये वेंडा, तो अब जाके अगर ए ये है, बी ये है, यू ये है, तो इस यूनिवर्सल सेट ये है, तो उसका वेन डायग्राम ऐसा होगा। ये बात समझ में आई अभी? यस सर। तो यहां तक यूनिवर्सल सेट तक एक पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है ना। इसमें जो सबसे फर्स्ट हम लोग देखने जाते हैं उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि ए एक सेट है 1, 2, 3 और ये पढ़ाया हुआ है ना थोड़ा सा, yes, sir. Yes, sir. 2, 3 तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, so, one, बस two, रिपीट one, two, three. चलो कोई एक जन तो डेफिनेशन बताओ था यूनियन का, ए इज अ सेट ऑफ, एक मिनट, तो डेफिनेशन वाइज क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट X belongs to A और एक important word आता है यहाँ पे और, ठीक है ना, X belongs to B, ये है ना, इसी को A union B कहते हैं। अगर हम एक सेट ले लें, एक सेट ले लें 1, 2, 7 A एक सेट ले लेते हैं हम लोग 1, 2, 7 ले लिया और B एक सेट ले ले रहे हैं 1, 3, 11, 13 तो चलो वेन डायग्राम के साथ ए यूनियन भी बनाओ, तो ए यूनियन भी बनाओ और वेन डायग्राम के साथ प्रेजेंट करो। तो कैसे बन गया ना, वेन डायग्राम के साथ बना लिया, ठीक yes, है। अगर इस नहीं बनता है तो आगे इससे कोई ना कोई पूछ लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको भी कर लेना, इसका भी वो वेन डायग्राम बना लेना, देखें इस पे कुछ सोचने की कोशिश करना, देखना आप सेट्स कुछ अलग अलग आएंगे, इस तरह से आएंगे उसका यूनियन जो भी आएगा, ठीक है ना। अब वेन यूनियन का वेन डायग्राम कैसा होता है, तो इस तरह से होता है, कभी ना ऐसा होता है ये आ जाता है सेट ए, ये आ जाता है सेट बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इधर का पूरा हो जाएगा, ये जितने एलिमेंट इतने दूर में लिखे होंगे सारे के सारे ए यूनियन बी में। तो ये पोर्शन किसका रिप्रेजेंट, ये यू लिखा हुआ है, ये पोर्शन जो सेडेड पोर्शन है क्या रिप्रेजेंट किया है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेट में कुछ कॉमन नहीं हो, ये अलग हो ये अलग सेट हो, तो इसमें भी ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट हो जाएगा और ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी होगा इसमें कि इस तरह से होगा,
इसमें क्या दिख रहा है, ये क्या लिखा हो, इस ए इज अ सबसेट ऑफ बी है या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है? बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए तो इसमें ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए ए ए ए पूरा पूरा सेट ए हो जाएगा, ठीक है ना? ये पूरा सेट ए है, सही है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पे, तुरंत कवर अप कर लेते हैं इसको, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है, इसको बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव उधर करो उधर के इधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माने ए यूनियन बी इक्वल्स टू डी यूनियन ए, ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव समझ रहे हो क्या होता है? यस सर। एसोसिएट कर सकता है, अगर सिर्फ यूनियन लिखा हुआ है तो एक दूसरे को एसोसिएट कर सकता है, ठीक है ना? मतलब क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तुम कहीं ब्रैकेट लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो कि पहले बी और सी का यूनियन निकाला फिर उसके साथ ए का यूनियन किया, या ए और बी का यूनियन निकाल के उसके साथ सी का यूनियन किया, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी जो हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट पर, आएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेम्पोटेंट। क्या होता है आइडेम्पोटेंट? देखो किसी भी सेट पे या किसी भी नंबर पे आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है ऑन द ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? यूनियन की, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन द सेम सेट, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है ऑपरेशन ऑन द सेम सेट, ठीक है ना? तो अब देखो इसका मतलब ए यूनियन ए क्या हो जाएगा? ये ए, ठीक है ना? ये कुछ नहीं है, बस जस्ट कभी अगर नाम यूज हो रहा है ये आइडेम्पोटेंट तो आप समझ जाओ। मैट्रिक्स में ये चीज बिल्कुल देखने को आता है, जब मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आता है, उसमें क्या होता है ए इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसा आ रहा है, तो ऐसा चीज जो ए का उसी के साथ करने पे, जैसे वन प्लस वन इक्वल्स टू वन होता है क्या? नो सर, नहीं। इसका मतलब एडिशन जो है वो आइडेम्पोटेंट नहीं है, समझे ना? अगर अगर बाद में मैट्रिक्स जब तुम पढ़ोगे तो वो ए इंटू ए ए हो जाता है, सब मैट्रिक्स ऐसा होता है, ए इंटू ए क्या हो जाता है? ए हो जाता है, उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, उस केस में मल्टीप्लीकेशन आइडेम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह से यूनियन जो है वो कैसा है, ए यूनियन ए क्या होता है? ए, उसको हम लोग आइडेम्पोर्टेंट बोलते हैं, लेकिन हम एडिशन को आइडेम्पोर्टेंट नहीं बोलते, ठीक है ना? अब आइडेम्पोर्टेंट के बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? ऐसा कुछ जिस वही वापस आ जाए, ठीक है, या हर एक वैल्यू के लिए सही है। तो ए यूनियन फाई कितना हो जाएगा बताओ? ए, ठीक है। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा? सॉरी, ए यूनियन यू कितना हो जाएगा? यू, यू, ठीक है। इसी को हम लोग आइडेंटिटी ऑन यूनियन बोलते हैं। बट ए का अगर फाई के साथ करो तो ए आएगा, ए का यू के साथ करो तो यू आएगा, इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब सेम चीज डिस्कस होगी, तो यूनियन की प्रॉपर्टी तक यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? यस सर, प्रॉपर्टी फोर में। बोलो सर, प्रॉपर्टी फोर में प्रॉब्लम। बोलो क्या दिक्कत हो रहा है सर? इसमें ए यूनियन फाई, कौन बोल रहा है ये बात? शिवम राज। शिवम राज, हाँ बोलो बोलो सर, फिर से एक बार बता दीजिए। बोलो ना, प्रॉपर्टी फोर सर, ए एक सेट होगा। हाँ यस सर, हाँ फोर ही बता रहा हूँ। देखो कर्सर फॉलो कर रहे हो?
यस सर ये दिख रहा है ना यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं देखो ए यूनियन फाइव अब फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं एक भी नहीं तो अगर यूनियन का मतलब क्या दोनों को कंबाइंड करना यस सर शिवम यस सर देखो तो मान लो ये ए है कितने एलिमेंट होंगे जितने भी होंगे फाइव में तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो दोनों को कंबाइन करो तो ए यूनियन फाइव तो ए ही आएगा ना यस सर जैसे एक चलो एक एग्जांपल करो एक सेट ए है जो है 1 2 3 4 और एक सेट बी है जो है ये तो बताओ ए यूनियन कितना होगा बोलो ए यूनियन ए सर ए यूनियन बी कितना होगा यहाँ पे ए हो जाएगा ठीक है ना अच्छा एक ले लेते हैं ए एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 और एक सेट बी ले लेते हैं यू वो हो जाएगा मान लो 1 2 3 अप टिल 100 ले लिया ठीक है ना तो बताओ ए यूनियन यू कितना हो जाएगा यू सर यू हो जाएगा ना यस सर हो जाएगा यस सर यही बताने की कोशिश कर रहा था ठीक है थैंक यू सर अब देखो नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ तक और किसी को दिक्कत यूनियन कंप्लीट है यूनियन कंप्लीट है वैसा ही सब कुछ इंटरसेक्शन में भी चलता रहेगा ठीक है तो किसी को अगर पूछना लास्ट टाइम पूछना हो हैंड रेज करके बताओ अगर कुछ पूछना चाहते हो रोहित नहीं चलो ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन एलिमेंट इन शॉर्ट में बोला जाए तो कॉमन सबसे पहले एग्जांपल ही लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा वो सारे एलिमेंट जो कॉमन है जल्दी बोलो थ्री फोर कैसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है बी में भी है यही है ना ऐसे ही एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है तो उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी में बोल रहे हैं तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स अब हाँ अब यहाँ पे ये मैजिकल वर्ड होगा जिसको ध्यान रखना एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बात समझ में आ रही है अब देखो वेन डायग्राम वाइज तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन डेफिनेशन हो गया अब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम दोनों के बीच का कॉमन सर आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है हमारा यस सर एक मिनट सर आ रहा है आवाज अभी यस सर अब किसी को ऐसा कोई है जिसको आवाज नहीं आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है सब सबको आ रहा है किसी का आवाज नहीं आ रहा हो तो हैंड रेज करो अमन आवाज आ रहा है यस सर आ रहा है प्रीति आवाज आ रहा है प्रीति यस सर शिवम यस सर ठीक है चलो कंफर्म हो गया कुछ लोगों से आ रहा है चलो तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का एरिया अच्छा कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों अलग अलग हो
इसमें इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? फाइव। इसमें यहाँ पे कोई रीजन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजन है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? फाइव। अच्छा, अब तीसरा एक केस हम बना दे रहे हैं कि इस तरह से, ठीक है, नहीं ये तो हो चुका है, ये चेक की बात कर रहे हैं। चलो ये हमने ए बोल रहे हैं, ये हम बी बोल रहे हैं, अब बताओ इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बी। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी, कितना हो जाएगा? चलो अब एक नोट करके लिख लेते हैं, डेफिनेशन टाइप का है कि इस नो एलिमेंट बिटवीन, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, बोलो। हाँ बोलो। सर अगर दो सेट, हाँ दो सेट अगर ए पॉइंट पे टच कर रहा हो सर, कैसे उसमें कौन सा इंटरसेक्शन होगा? देखो तुम सेट को सर्कल मत समझो पहली बार, ठीक है? ये देखो तुम ऐसे बोल रही हो, इसकी बात कर रही हो? यस यस सर। नहीं तो इसमें देखो ऐसा रिप्रेजेंट नहीं होगा, देखो जो कॉमन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आएगा ना, या तो एक आए या दो आए या पांच आए, तो देखो ऐसा नहीं कि साइज में फर्क नहीं पड़ता है इसका, तुम इसको इस तरह से बना सकते हो आराम से, ठीक है? इसको इस तरह से ना बना के तुम क्या करो, तुम इसको इस तरह से बना लो, तुम इसको इस तरह से बना लो, किसी तरह से बना लो, बात समझ आ रहा है? अब जैसे कि अगर एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 3 आ रहा है और बी है जिसमें 3 4 5 है, तो इसको लिखने का तरीका चाहे तुम इसको यहाँ पे 3 लिख दो और यहाँ पे 1 2 लिखो और यहाँ पे 4 5 लिखो, इसको इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 4 5 हो गया, तो सेट के साइज से चाहे एक पॉइंट का बनाओ या मतलब बहुत बड़ा बना दो, सेट के साइज से फर्क नहीं पड़ता। बात क्या हो रही है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ कॉमन आएगा, वो इंटरसेक्शन होगा। दोनों सर्कल अलग अलग है तो कुछ भी नहीं आएगा, एक के अंदर दूसरा है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो विद हम यस सर, तो जो हम बोले तो ये एक इंटरसेक्शन बनाएगा ना? हाँ बिल्कुल बनाएगा, ये हो जाएगा तो ये डेफिनेटली। अब इसको तुम इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, सही है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इतना छोटा बना दोगे तो इसके बीच में तुम कुछ लिख नहीं पाओगे ना, तो पता नहीं चल पाएगा, है ना? चलो ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग आते हैं, एक छोटा सा नोट लिख रहे थे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए तो ए एंड बी आर कॉल्ड, देखो ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है तो दोनों अलग अलग है ना सेट, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए तो ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोगों ने यूनियन में किया था उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट क्या था? कम्यूटेटिव क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा क्या हमने देखा था? एसोसिएटिव क्या होता है? साइन को तुम इधर उधर कर सकते हो, तो मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ये बराबर हो सकेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अब डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ले रहे हो, इसको लोगे और ए और बी को इंटरसेक्शन लो फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लो, या बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो, दोनों क्या होगा? बराबर। अच्छा बताओ इंटरसेक्शन आइडम्पोटेंट फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा।
सेम का सेम पे, ठीक है ना, सेम ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा, ए, तो ये आइडेंटिपोटेंट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, चलो, आइडेंट, ठीक है, अब जो आप पूछ रहे थे ना डिस्ट्रीब्यूशन, एक जन पूछ रहे थे, वो आप बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूनियन है या सिर्फ इंटरसेक्शन पर नहीं होता है, यूनियन इंटरसेक्शन मिला के होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब क्या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिया गया है, उसके बाद ए के साथ यूनियन लिया गया है, तो ये बट जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, फिर बीच में ये आएगा और फिर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो मैं बहुत ज्यादा लाइन बना दिया, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ ठीक है, अब देखो ये हो जाता है ए ए यूनियन ए और बी को एक साथ ले लो, तो ए यूनियन बी, अब फिर बीच में क्या है इंटरसेक्शन, तो, और बाद में क्या हो जाएगा, फिर ए यूनियन, बोलो क्या होगा, इंटरसेक्शन या यूनियन, सी सी, ए यूनियन सी, इसका आवाज आ रहा है, हेडफोन का आवाज है आप लोग का, मेरे हेडफोन का आवाज है, एक मिनट, जो किसी का माइक तो नहीं ऑन है, नहीं, शिवम आपका माइक ऑन है क्या, चलो ठीक है, ठीक है, हो गया, अब हम बात करते हैं ए यूनियन बी, और अच्छा अब कोई कौन बताए, किसको पकड़ू, चलो दिव्यांशु, यस सर, हाँ बताओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा सर, इसको एक्सपेंड करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब बाहर में एक साइन होगा दूसरे अंदर में दूसरा, समझे ना, हाँ सर, देख रहे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हाँ बोलो, ए इंटरसेक्ट यूनियन, फिर यूनियन बी इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट सी, इंटरसेक्शन सी, इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चलो अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे उसमें देखा था ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये होता है ए माइनस बी, होना क्या चाहिए सर, इसको डायरेक्ट पहले डेफिनेशन लिखते हैं, x belongs to a and x not belongs to b, ठीक है ना, तो देखो अगर वेन डायग्राम बनाए, तो मेरे साथ थोड़ा मेरा हेल्प करो वेन डायग्राम बनाने में, ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, और ये हो गया तो मेरा सेट a, और ये हो गया मेरा सेट b, ठीक है, अब जब सेट ए सेट बी ऐसा हो गया, तो अब हमको ए माइनस बी चाहिए, ठीक है ना, ए माइनस बी कैसा होना चाहिए कि ए के एलिमेंट तो हो बट बी का एलिमेंट उसमें नहीं हो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा क्या, यस सर, ठीक है, ये जो पूरा एलिमेंट लिखा है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अच्छा ये देखो एक्चुअली इसको क्या, एक और चीज, तुम वेन डायग्राम का एक और फायदा है, इससे तुम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, या फॉर्मूला का प्रूफ देख सकते हो, अब तो हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी लिखा हुआ है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या सही है क्या, यस सर, यस सर, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक yes, है, कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो तो ए माइनस बी आ जाएगा, अच्छा उसी तरह से बी माइनस ए क्या हो जाएगा,
b minus a minus b minus a intersection b. देखो हाँ, अब देखो ये जो है व्हाइट कलर में वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, a माइनस b, लेकिन अगर हम इसको इस कलर के ऐसे लिख दे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस a, b माइनस a, ठीक है ना सर. कुछ पूछना था. हाँ बोलो ना सर. a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेप्शन b जो लिखे हैं तो उसके हिसाब से जो a माइनस b और b माइनस a दोनों हो जाएगा एक ही में. नहीं तो a a क्या क्या फिर से बोलो तो एक बार सर. वे वाला जो अभी हम बोले ना उसको वेन डायग्राम से एक बार समझा दीजिए इस वाले को. ठीक है ठीक है. देखो a माइनस बी को सबसे फर्स्ट देखते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम में. तो देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया. अब देखो ए माइनस, अच्छा पहले वेन डायग्राम नहीं बदलाऊंगा मैं, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ फिर तुम ही बताओ, जो पूछा था वही बताएगा. पहले एग्जांपल ए इक्वल्स टू है 1 2 3 4, फिर इसके बाद वेन डायग्राम बताता है. अब बी है 3 4 5, तो बताओ मुझे a माइनस b कितना होगा, बताओ तो. 1 2. हाँ 1 2, माने किया क्या हमने कि a और b में से, तो अब इसका मैं वेन डायग्राम, इस एग्जांपल का वेन डायग्राम. अच्छा चलो साथ में बता दो b माइनस a कितना हो जाएगा. b माइनस a 5. फाइव होगा ना, सही है. अब तुम देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम अगर हम इसका बनाए, ठीक है, और एक सेट हमारा ये ए हो गया और एक सेट हमारा ये बी हो गया. ए में कौन कौन से एलिमेंट हम लें तो देखो 1, अच्छा 3 4 यहाँ पे आना चाहिए, कॉमन पार्ट है दोनों का, 3 और 4 यहाँ पे ले लिया. ए में क्या और साथ में क्या आएगा, 1 और 2, और बी में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 5. तो देखो बी में 3 4 5 आ गया और ए में 1 2 3 4 आ गया. तो ए माइनस बी क्या होगा, जो ये वाला कॉमन वाला पार्ट छोड़ दो तो वही होगा ना 1 2, दिख रहा है. तो इसलिए कॉमन वाला पार्ट अगर छोड़ देंगे तो 5 भी तो बच रहा है. कहां, किस में नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ a माइनस, देखो यहाँ पे लिखा है ना a माइनस b बराबर a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और b माइनस a, b माइनस a इंटरसेक्शन b. तो जब a माइनस b निकालना होगा ना तो a में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट हटा देंगे, ठीक है. फॉर a माइनस b रिमूव द एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B फ्रॉम A. अब समझ में आ रहा है ना. एंड फॉर B माइनस A, फॉर B माइनस A रिमूव द एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B फ्रॉम, बोलो किसमें से, फ्रॉम, कोई जवाब दो, फ्रॉम B, फ्रॉम B, ठीक है ना. अब क्लियर हो गया क्या. तो देखो yes. ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया हमारा, a माइनस b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गया है, तुम लोग ध्यान देना, इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट नहीं है. चलो कर दो, इस वेन डायग्राम को तुम लोग बना लेना, बन जाएगा, ठीक है, इस वाले को बना देना, मैं मिटा ही दे रहा हूँ. हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं. डिफरेंस क्लियर है, डिफरेंस में कुछ समझना है नहीं. yes, चलो एक कुछ एक और एग्जांपल घर पे अभी कर लेना, क्लास खत्म हो उसके जस्ट बाद. a इक्वल्स टू 1 2 7 9 एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा -1 1 2 3 4.
टू थ्री फोर और ये हो जाएगा 11. ठीक है, तो बताओ a माइनस, अभी मत बताओ, घर पे बता देना, a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकालना है और साथ में इनका वेन डायग्राम भी बनाना. ठीक है, चलिए. अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिर्फ डिफरेंस. उसके बाद से पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. नाम से ही क्लियर है, देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ सेम साइड सेम टाइप का. जैसे हमारा हाथ सिमेट्रिक है, मैंने जैसा लेफ्ट हैंड है वैसा ही राइट हैंड है ना. तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब डिफरेंस भी सिमेट्रिक हो. ठीक है, तो डिफरेंस सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ये है ए और एक सेट ये है बी. ठीक है ना, तो देखो एक डिफरेंस तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल क्या बोलेंगे, b और b माइनस ए माइनस b. हाँ, और एक दूसरा ले लें तो इसको क्या बोलेंगे, b माइनस a माइनस a. ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, एक और वेन डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, और एक सेट a लेते हैं, एक सेट b लेते हैं और एक रीजन सेट कर रहा हूं सी. मैंने ए माइनस बी और बी माइनस ए को दोनों को एक साथ ले लिया, दिख रहा है इसमें. यस सर. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस. ये किसको रिप्रेजेंट किया गया है, किसका वेन डायग्राम है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक इसको हम लोग बोलते हैं ए डेल्टा बी. क्या बोलते हैं इसको, ए डेल्टा बी, पर इसको बोल देंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. ये क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. ठीक है, अब क्या होगा, ए डेल्टा बी. अच्छा तुम देखो इस, ये होता क्या है, a माइनस बी ले लिया, b माइनस a ले लिया और दोनों का यूनियन ले लिया, ये किया हुआ है ना. यस सर. इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं. अच्छा जब तुम वेन डायग्राम से देखोगे ना, तो इसमें एक नया फॉर्मूला निकल के आता है एसिमेट्रिक डिफरेंस की का. किसी को दिख रहा है क्या कोई वो फॉर्मूला है, कुछ यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म्स में, यूनियन उसमें से जो क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो. सही है ना, तो देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरह से हमको क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है ना, और सिर्फ सेट में नहीं करने ये काम, हमको प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं. सही है, जो सेट थ्योरी का यूज करके होता है. इन सब चीजों को वेन डायग्राम को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस तरह से करेंगे. सो वन सेकंड प्लीज. सही है. हाँ ठीक है. हो गया, थोड़ा सा ऊपर करके मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है. यस यस सर. यस सर. एग्जांपल चलो, तो इसमें करना क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना. एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो जब आप लोग स्कूल का एग्जाम देना ना, बोर्ड आउट का एग्जाम देना,
तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए पहले ए माइनस बी निकालना, फिर बी माइनस ए निकालना, और क्या करना, दोनों का यूनियन ले लेना। लेकिन जब शॉर्टकट का काम होना तो ये चीज यूज कर लेना, ये वाला पार्ट। बोर्ड में इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डेराइव्ड है, ओरिजिनल ये है, इसलिए बोर्ड वगैरह में जितना ओरिजिनल चीजें यूज करो, जितना बेसिक चीजें यूज करो उतना बढ़िया है। तो बोर्ड में ये यूज करना निकालने के लिए, ए माइनस बी निकालना, बी माइनस ए निकालना, दोनों का यूनियन लेना। लेकिन जब हमको नॉर्मल काम करना हुआ तो ए यूनियन बी निकाल लेना, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना, और ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देना। ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी पड़ता है हमको, ठीक है? तो करो तो करके आंसर बताओ। यही ना? Yes, sir. हाँ, इसको मैच करा लेना जिसका नहीं हुआ है। कोई पूछना चाह रहा है तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है। 2, 31, -1, 3 and 5। ठीक है, तो यहां तक देखें, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। किसी को? विवेक, सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकता है? यस सर। सर ए यूनियन बी माइनस ए माइनस इंटरसेक्शन, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशन लगते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव को तुम क्या समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये भी है ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि a इंटू बी प्लस सी, इसको a इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, तो ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। यस सर। अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यस सर। कितने, पहले एक जगह पे था, अब दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ रहे हो ना डिस्ट्रीब्यूशन? yes, ठीक है। yes. तो अब देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था, तो अब कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यूनियन होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, समझे ना? yes, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक चलने वाला है हमारा, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑफ सेट। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जो होता है, ऑफ सेट ए, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, और ये बराबर होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब समझे क्या? यस सर। यूनिवर्सल सेट में या फिर इसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना चाहो तो सच दैट एक्स एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जैसे एग्जांपल मैं लूं कि ए इक्वल्स टू है तुम्हारा 1, 2, 3, 4 और U है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो A डैश कितना हो जाएगा? 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. हाँ, कितना हो जाएगा? 5, मतलब 5, 6, U में से 5, A वाले एलिमेंट को हटा दिया तो 5, 6. अच्छा, अब जैसे इसमें हम लोग देखे थे A डैश, ए डैश कितना हो रहा है? यू माइनस ए, ठीक है ना? अच्छा अब बताओ, ए डैश का डैश निकालो, कितना आएगा? ए ए ए डैश ए आ जाएगा ना? तो yes. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग होती है इसमें, हम लोग यू और काफी यहाँ नहीं, ये ए डैश का डैश इसमें बहुत जगह पे ए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स में भी या और भी जगह पे, तो वहां पे ए डैश का डैश कितना हो जाएगा? ठीक है, अब दूसरा जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, उस पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन। तो
इसमें बोर्ड में एक प्रूफ आता है, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ आता है, मैं प्रूफ भी बता दूंगा अभी, लेकिन पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं फिर देखते हैं। ये जो मैं प्रूफ बताऊंगा अभी, फर्स्ट प्रूफ जो बताऊंगा वो बोर्ड के लिए नहीं होगा, सेकंड प्रूफ जो बताऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में, स्कूल अगर एग्जाम में चलेगा। चलो तो डिमॉर्गन्स लॉ, दो लॉ होते हैं, पहले लॉ क्या होते हैं वो देखो। अगर कोई भी दो सेट का तुम यूनियन लो और यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है ना, तो वो बराबर हो जाता है दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन, मतलब डैश जो है यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देना, डैश जो है यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देना। तो अब बता दो तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या हो जाएगा बताओ तो, ए डैश यूनियन ए डैश, सही है ना। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलो अब हम बेसिकली इसका फर्स्ट प्रूफ देने जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रूफ देने जा रहे हैं वो वेन डायग्राम से देने जा रहे हैं या फिर एग्जांपल के हेल्प से। तो हम फर्स्ट वाले का प्रूफ दे रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा सेट है ए, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट है ए और ये सेट है बी। ग्रीन दिख रहा है ना ढंग से? यस सर। ठीक, अब देखो बताओ मुझे ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा ये यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का डैश कौन सा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा जो हम इस दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ये U minus A union. ये क्या लिखा हुआ है, ये सारे के सारे A union B का डैश है, ठीक है ना। अब तुम बताओ अगर ये जिस तरह से हमने लिया था कि ये A है तो ये पूरा बचा हुआ कैसा क्या हो जाएगा, U minus A डैश। अगर ये A है तो बच A डैश, A डैश नहीं होगा ये? Yes. Yes. कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. ठीक है रोहित, संचिता, यस सर, बताओ कैसे ए डैश होगा जो मैंने डॉट डॉट किया, सॉरी इस ये जो रीजन है दिख रहा है ना, यस सर, दिख पा रहा है, ये ए डैश होगा, सब लोग बोल रहे हैं, यस सर, ठीक है, कैसे होगा ए डैश, यूनिवर्सल में जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ये सेट बी है ग्रीन कलर में, ये सेट बी है तो इस ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अच्छा दोनों सेट के बाहर कुछ जगह पे हमने ग्रीन और ये येलो कलर, ये कौन सा कलर बोलेंगे इसको, पता नहीं जो भी हो, ठीक है, ऑरेंज बोल देते हैं, ठीक है। चलो तो अगर ग्रीन और ऑरेंज का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ बाहर बाहर में, सेट के बाहर बाहर में हो रहा है ना, यस सर, यस, इसके बाहर बाहर में हो रहा है, मतलब effectively बोले इन सब जगहों पे हो रहा है, इस सब जगहों पे हो रहा है, yes, sir. हो रहा है ना, yes. और यही तुमको तो A union B का डैश निकल के आया था ना, सही है, yes. तो यहाँ से देखा ये क्या निकाला हमने, A, ये हमने जो निकाला वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकाला, तो ये बाहर वाला रीजन निकल गया है, और यहाँ पे ई यूनियन बी का डैश निकाला तो भी ये सब रीजन निकल के आ रहा है, ये सब रीजन निकल के आ रहा है, तो जो भी है ये दोनों बराबर ही आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं ना सेम रीजन निकल के आ रहा है, इसलिए बोल सकते हैं ना कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करना, ठीक है,
चलो तो इस प्रूफ को आप लोग खुद से कर लोगे और एग्जांपल देख के हम लोग, मैं सेकंड कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देख के सेकंड कर। फर्स्ट मैंने वेन डायग्राम से किया, सेकंड जो कर रहा हूँ वो एग्जांपल देख के कर रहा हूँ। जैसे लेट से ए है 1 2 3 5, बी है 1 5 7 8, तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 5 7 8, सो 1। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1 और 5 5 1 5 1 5 होगा ना, 1 5 1 5, ठीक है। अब बताओ यू कितना हो जाएगा, सबसे छोटा यू कितना हो जाएगा? तो दोनों हाँ, तो एक काम करते ना, यू को थोड़ा सा सीधा साधा रखने के लिए 10 तक ले लो, ठीक है, ले सकते हैं क्या? यस सर। हमने ये यू ले लिया, ए यूनियन बी लेने से फायदा है कि फायदा तो होगा, छोटा जाएगा सेट, लेकिन हम जो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पाए, ठीक है, अब कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैं। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी का डैश कितना हो जाएगा? 1 to 10 except 1 into 5. हाँ तो 1 2 नहीं 1 नहीं except 1 and 5. हाँ तो 7 8 2 3 4, फिर क्या 6 7 8 9 10 होगा? Yes सर, आवाज आपको बहुत क्लियर हो रहा है ना? हो ही रहा, कट रहा है अभी भी? जस्ट म्यूट कर दिया, नहीं आ रहा है। अच्छा अभी बैकग्राउंड से काफी, बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रहा है। कौन कौन अनम्यूट, सबको म्यूट कर लो, जिसको बोलना हो उस टाइम पे अनम्यूट करो फिर म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा मेरे तरफ से भी आवाज आ रहा है कोई, रवि कंफर्म करो तो, मेरे तरफ से भी आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, बस म्यूट अनम्यूट करने के लिए थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ आप लोग, ठीक है। जब पूछना है तब तुरंत अनम्यूट करो, पूछो फिर तुरंत म्यूट कर दो, ठीक है। चलो अब ए मैं बोलूंगा वही अनम्यूट करेगा, ठीक है। अब ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी निकाला तो कितना हो जाएगा? 1, चलो रवि बताओ तो 1, ए यूनियन बी कितना, ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो ए यूनियन बी कितना होगा? सो 1 2 3 5 7 8। संचिता सो 4 2, यस सर। ए यूनियन बी का डैश कितना होगा? 1 and 5, कितना? 1 and 5। तो देखो ए यूनियन बी क्या क्या क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश कितना आया, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश नहीं, हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश नहीं, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना, सॉरी ए यूनियन बी का डैश नहीं निकालना है हमारे पास। चलो संचिता म्यूट कर लो, ठीक है। चलो रौनक बताओ ए डैश कितना होगा? ए डैश जो होगा 2 3 5, 1 2 3 5 है तो 1 2 3 5 छोड़ दो, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10। बी डैश कितना होगा शिवम राज? 1 5 7 8, तो 2 3 4 6 7 8, ठीक है। अब दोनों का यूनियन ले लो, तो दोनों का यूनियन लोगे तो कितना आएगा जो आया था आपके पास? 2 2 3 4 यूनियन इंटरसेक्शन 7 8 9 10। हाँ, तुमको प्रूफ क्या करना है, जो ले
ना तुमको ये वाला प्रूफ कर रहे हैं तो हम दो चाहिए वो निकाल लिया पहले इंटरसेप्ट अभी सुहानी ये सर अब आ रहे हैं ठीक है अब देखो करना क्या है यहाँ पे ए डैश निकाल लिया देखो हमको करना क्या है एक ए सेट ले लिया एक बी सेट ले लिया फिर क्या करना है ए यूनियन बी निकाला फिर उसका डैश निकाल लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया और फिर क्या करेंगे ए डैश निकालेंगे फिर बी डैश निकालेंगे फिर दोनों का यूनियन लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन बी निकाला था 15 आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये चीज आ गया ये वाला पार्ट आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यस सर फिर हमने ए डैश निकाला फिर बी डैश निकाला फिर ए डैश यूनियन बी डैश गलत है क्या तो बी डैश गलत है कितना होगा बताओ बी डैश में 7 नहीं होगा सर 7 अच्छा हाँ ठीक 8 नहीं अच्छा 7-8 नहीं होगा सही है 9-10 होगा अच्छा हाँ बी डैश में फिर तो 9-10 होगा ना तो ये हो जाएगा 9 और 10 अब बताओ ए डैश यूनियन बी डैश जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूफ करना है तो यहाँ पे प्रूफ करना है इस वाले पार्ट पे तो ए डैश यूनियन बी डैश बता दो कोई एक जन बोलो सर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन अच्छा क्या ये है क्या ये चीज है वो जो निकल के आया यस सर जब है तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश सही है इस तरह से हम लोगों ने एक प्रूफ दिया अब देखो एक तीसरा प्रूफ दो जो बोर्ड एग्जाम में तुमको पूछा जाएगा ठीक है तो देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या है कि अगर कोई भी सेट ए इक्वल्स टू बी प्रूफ करना है ना तो क्या करना होगा एक काम करना होगा कि हमको प्रूफ कर देना होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी और दूसरा चीज हमको प्रूफ करना होगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए बात समझ में आई क्या यस सर यस अभी बताया था कि अगर दोनों ये चीज प्रूफ कर दो तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा ठीक है अच्छा ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने का तरीका क्या होगा कि अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू ए अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और वो एक्स बी में भी बिलोंग करे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा या नहीं होगा यस इसमें किस जो मैंने बोला अच्छा किसी को डाउट हो रहा है जो अभी स्टेटमेंट बोला मैंने एक बार रिपीट कर दीजिए अच्छा देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ए सेट ए है और एक बी सेट ये है तो ए और बी का सबसेट तभी होगा ना जब ये इसमें कोई भी एलिमेंट हो वो बी में हो सर रवि वर्मा के घर से बहुत आवाज आ रहा है किसके घर से सर रवि रवि म्यूट कर दो रवि म्यूट है रवि तो म्यूट है अभी क्या अच्छा ठीक है चलो तो रवि म्यूट कर दो उसको और जब पूछना हो तो सभी सवाल पूछना ठीक है तो अब देखो ये जो है ए और अब इसमें कोई भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होंगे ये जो इतने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में होंगे तो अगर तुम प्रूफ कर दो कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाता है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने का तरीका होता है कि प्रूफ करना होता है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए then x belongs to b अगर ये प्रूफ कर दिया तो a इज अ सबसेट ऑफ b प्रूफ हो जाता है और अगर a इज अ सबसेट ऑफ b और b इज अ सबसेट ऑफ a दोनों प्रूफ कर दिया तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है तो कैसे प्रूफ करना है ये हम लोगों ने देखा अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं और नहीं है तो मैं याद करने का भी तरीका बता दूंगा शॉर्टकट में याद हो जाएगा एग्जाम से एक दो दिन पहले याद कर लेना इसको ठीक है हम फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं कौन सा कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ठीक है तो इसके लिए हमको प्रूफ करना होगा कि ए यूनियन बी फॉर दिस
इसके लिए तो वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी का डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश ये हम लोग को प्रूफ करना होगा फॉर इसको प्रूफ करने के लिए क्या ये स्टेप सबको समझ में आया Yes, sir. जिसको नहीं समझ में हैंड रेज करो जिसको नहीं समझ में सर एक बार वापस बता दीजिए ठीक है तो मैंने बोला कि देखो होता है ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए तभी जाके और बी बराबर होता है ना तो अगर इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है तो हमको ए इज सबसेट ऑफ बी भी प्रूफ करना होगा बी इज सबसेट ऑफ ए भी प्रूफ करना होगा तो इसके लिए हम क्या कर यहां तक हमने स्ट्रक्चर बताया ये नेसेसिटी नहीं है यहां से स्टार्ट करते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश अगर एक्स ए यूनियन बी के डैश में बिलोंग कर रहा है और अगर एक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में बिलोंग करता है तो ये जो ये सेट है इसका सबसेट हो जाएगा तो वही चीज हमको प्रूफ करना है तो बताओ X belongs to A dash union B dash. तो हम बोल सकते हैं X not belongs to A union B होगा? Yes sir. ये बात समझ में आई क्या? Yes sir. Yes sir. अगर X not हाँ mute कर लो फिर हम last में पूछेंगे अभी बीच में unmute कोई मत करेगा last में मैं step पूछूंगा तो X not belongs to A and X not belongs to B ये imply करेगा X belongs to A dash and X belongs to B dash. So, ये imply करेगा X belongs to A dash intersection B dash. तो अगर X A union B के dash में है, ये imply कर रहा है कि X ये वही X A dash intersection B dash में भी है. So, हम बोल सकते हैं कि A union B का जो dash होगा वो सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बोलो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछो किसी को डाउट नहीं चलो ठीक है तो किससे पूछे रवि यस सर ये बताओ कि अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर लिया ये चीज yes, ठीक है yes, अगर मैं दूसरे स्टार्ट करूं मेरा ना दूसरे तरीके से स्टार्ट करूं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यहां से लेके अगर मैं प्रूफ कर दूं तो ये ठीक है अब क्या करो म्यूट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ ये हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश ये इंप्लाई करेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी तो ये इंप्लाई करेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी सो ये इंप्लाई करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश एक मिनट बिलोंग्स टू कुछ गड़बड़ हुआ इंटरसेक्शन का हाँ ये डैश बिलोंग कर रहा है इसमें एंड एंड एक्स बिलोंग्स टू यू डैश नॉट बिलोंग टू ना लास्ट वाले लाइन में हाँ हाँ सी वन सेकंड यहाँ पे मिस्टेक है देखो क्या होगा यहाँ पे देखो इस लाइन देखो ये देखो x बिलोंग कर रहा है a डैश में एंड x बिलोंग कर रहा है b डैश में इसका मतलब x a में नहीं है ठीक है और x b में नहीं है तो x किस में नहीं है x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है तो वो x a यूनियन b में नहीं है बोल सकते हैं क्या यस सर हाँ तो यहाँ पे होगा कि x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b ठीक है तो जब x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b देन
x है कहाँ, x belongs to a union b का dash, ठीक है? तो इसका मतलब ये बोल रहा है a dash intersection b dash is a subset of सर आप intersect का sign दिए, अच्छा फिर से, अच्छा हाँ ये sign union होगा, हाँ तो a intersection b का a dash intersection b dash is a subset of a union b का dash. अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज प्रूफ किया वन और यहाँ पे मैंने दूसरा चीज प्रूफ किया. तो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया a is a subset of b और यहाँ पे प्रूफ किया b is a subset of a. तो इसका मतलब a और b बराबर होगा. So a dash intersection b dash equal to a union b का dash. समझे? इन सेम वेज तरीके से दूसरा वाला भी हम लोग या जो भी बच गया हो उसको प्रूफ कर लेना. कर लोगे? Yes. ठीक, तो हम करेंगे अब एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं. चलो आशीष कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो? वर्कशीट कितना तक पहुंचे? सर दो तीन दिन पहले ज्वाइन किए तो तीन चार वर्कशीट हुआ. नो डाउट उसमें? नहीं अभी तो नहीं है. डाउट जो होगा वो मैं वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा. हाँ तुरंत सेंड कर देना. ठीक है अमन. यस सर. डाउट और कुछ? सर एक था तो डाल दिया था. ठीक है आंसर भी आ गया. ठीक है चलो. देवांशु. यस सर. कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? ठीक चल रहा है सर. पर नंबर तो नहीं आ रहा है? वही नहीं पता चल रहा क्या है हो रहा है. चलो ठीक है देखते हैं उस पे बात करते हैं अभी. ठीक है कोई भी दिक्कत हो तो तुम्हारे पास तो नंबर होगा ही ना मेरा. हाँ सर. और देख लेना जिसके बाद टेलीग्राम पे कॉल कर लेना जो भी हो. कोई भी डिस्कस हो बात कर लेना कोई भी दिक्कत हो. ठीक है ओके सर. श्वेता. यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है तो उसको प्रैक्टिस करते रहो और वर्कशीट करो. तुम अभी तक एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज सेट चैप्टर का भी तुम कैपेबल हो करने का लेकिन पहले वर्कशीट करो. ठीक है कि वर्कशीट में अच्छे क्वेश्चन है. मान लो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आ रही है तब एनसीईआरटी या आरएसएस वॉल्स स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है लेकिन पहले वर्कशीट करना. ठीक है ओके सर. प्रीति. प्रीति सर लास्ट में जो ये वाला बताया ना पूरा हॉजपॉज हो गया. क्या बोलना? कोई हॉचपॉच नहीं है. कहाँ से बताया? ठीक है तुम लाइन पे रहना मैं अभी तुमको लास्ट में तुम्हारे पास आऊं. ठीक है ठीक है. अच्छा इसका रवि. यस सर. ठीक ठाक चल रहा है? यस सर ठीक चल रहा है. सर वो जो लॉग वाला क्वेश्चन है उसपे वीडियो बना के भेज दीजिए ना. हम तुमको अभी बता दे रहे हैं तुम लाइन पे रहना. ठीक है ठीक है. वो क्वेश्चन अभी ना तुम एक काम करो टेलीग्राम पे भेज दो. तो कहाँ है कहाँ नहीं नहीं पता तुम एक बार टेलीग्राम पे. रवि हो गई. ठीक है और रीता. क्या नाम रीता? रीतांबरा. बोलो बहुत मुश्किल नाम रखा है तुमने. चलो नाम का मतलब क्या होता है? रितांबरा का मतलब सर एक सेंट है मतलब जिसके डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. अच्छा तुम्हारे डिक्शनरी में है? हाँ चलो कोशिश करना कि तुम्हारी डिक्शनरी में भी ना हो. ठीक है और yes. क्लास वाला का समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर. तो लॉग. ठीक है तो अब नहीं सिर्फ लॉग का लॉग बेसिक मैथ पूरा का सारा डाउट क्लास होगा. आप या तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट मैसेज करके बात कर लो या फिर विशाल सर से बात कर लो किसी से बात करके. और जब वो होगा अब तो टाइम ही कंस्ट्रेंट नहीं है. 8 से 9 11 से 12 कभी भी दिन में 11 से 12 लगा सकते हैं रात में 8 से 9 लगा सकते हैं. तो अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करके बात कर लेना. वो लगा देंगे लॉग बेसिक में दोनों आप लोगों को पढ़ा. हाँ लॉगरिथम हम लोग को दोबारा पढ़ाया जाएगा? नहीं दोबारा जिसको चाहिए होगा उसको पढ़ाया जाएगा. दोबारा क्यों पढ़ाया जाएगा एक ही चीज? सर वो बेसिक चीज पढ़ाया गया सर टफ टफ क्वेश्चन नहीं कराया गया.
तो टफ टफ क्वेश्चंस है ना वर्कशीट में, करवाएंगे कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो अभिजीत सर से एक बार मैं बात करके फिर क्वेश्चन करवा दूंगा क्या है कैसे क्या कराना है ना। वो अचानक से थोड़ा घर चले गए, उनके घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो मैं बात करके करवा दूंगा। ठीक है रोहित, चलो रौनक सर। हाँ कौन है रौनक या रोहित? रौनक। रौनक मुखर्जी? हाँ यस सर। तो बांग्ला जानो तुम्हें? यस सर। अच्छा बोलते पढ़ो? हाँ सर। ठीक है ठीक है ना, हमें जानी ना बेसिक करे। ठीक है चलो अब बोलो सर। हम क्वेश्चन डाल दिए। हाँ बोलो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पड़ा था टेलीग्राम दिए। हाँ तो अभी आया नहीं है आंसर? नहीं। क्या सर वो आप एक बार देख लीजिएगा सर। और अभी जो पावर वाला बोले सर वाला आप एक बार देख लीजिएगा सर। अभी पावर वाला समझाने वाला एक बार। क्या क्या पावर वाला? डैश वाला? यस सर। पावर सेट नहीं बोल रहे थे स्टार्टिंग में, पावर सेट बोले ना आप? हाँ हाँ पावर सेट, पावर सेट। हाँ तो पावर सेट में नहीं समझ में वो। हाँ सुने उधर मैं लिंक कट गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब थोड़ा सा लाइन पे रहिए, मैं बाकी लोग से बात करके फिर आपको प्रीति का बचाओ और इसका बचाओ। ठीक है चलो रौनक का बचाओ। ठीक है रौनक के बाद कौन है? संचिता? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो ठीक है क्वेश्चंस करो इससे रिलेटेड और जो भी बात हो उसको करना। शाश्वत? ठीक है शाश्वत नहीं बोल रहा है। शिवम? यस सर। ठीक कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? अच्छा है सर। ठीक है तो कोई डाउट इसमें अभी तक आज के सेशन में? नो सर। ठीक है चलो। सुदीप? नहीं आवाज नहीं आ रहा है। समझ गए? समझ गया ना सर। सुदीप समझ गया। ठीक है बढ़िया। कुछ डाउट अभी तक? नहीं सर। कोई डाउट हो एकदम बेहिचक पूछना, डाउट भी आ जाएगा। ठीक है yes. चलो सुहानी? यस सर। कुछ डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? वर्कशीट प्रैक्टिस हो रही है? यस सर वर्कशीट कर रहा है। चलो विवेक? Yes, कैसा चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है, समझ में आया सर। ठीक है चलो वर्कशीट कीजिए और अगर कर सकते हैं तो एनसीईआरटी भी कर लीजिए साथ में, सेट का एनसीईआरटी तो कर ही लीजिए। ठीक है ओके ओके चलिए। ठीक है तो आप लोग जा सकते हैं, जिसको रुकना है वो रुक सकता है अभी जो डाउट है। तो प्रीति, प्रीति तुम्हारा डाउट था? सर नेक्स्ट क्लास के लिए। हेलो हेलो सर।
हेलो प्रीति किसका रवि यस सर अच्छा प्रीति बोलो तुम्हारा क्या डाउट था सर लास्ट वाला जो बताया था ना वो एक बार और बता दीजिए ना बिल्कुल ठीक तो लास्ट वाला कौन सा बताएं सर प्रूविंग हाँ ठीक है ठीक है स्क्रीन दिख रहा है क्या स्क्रीन में क्या दिख रहा है तुमको ठीक है अभी तो ठीक है ठीक हो गया ठीक है आ गया सही दिख रहा ना स्क्रीन जो हम लोगों ने पढ़ाया था यस सर यस सर अब बताओ कहाँ पे से तुमको बता प्रूफिंग में बताना था ना यहाँ से बताना था क्या यस सर ठीक है ना ये बताना था चलो अब देखो हुआ क्या इसके प्रूफ के लिए बताया तो हमको जो प्रूफ करना है अगर ये चीज ये रफ लिख रहा हूं मैं कि ए यूनियन बी का डैश ठीक है ना बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे एक्स को कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के डैश में बिलोंग करता है तो एक्स बिलोंग टू ए डैश यूनियन बी डैश तो जब एक्स ए यूनियन बी के डैश में रहता है तो एक्स नहीं होगा यूनियन बी में नहीं होगा ना No, ठीक है तो x अब तुम कंटिन्यूअस इंटरेक्ट कर रहे हो वन टू वन ही चल रहा है ना ठीक है तो okay. अब इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b मतलब यूनियन b में नहीं है तो दोनों में किसी में होता तो यूनियन b में आ जाता इसका मतलब yes, a में भी नहीं है और b में भी नहीं है ठीक है इसका yes, मतलब sir. क्या हुआ कि a डैश में है एंड b डैश में है तो a डैश में है और b डैश में है तो इसका मतलब कहां होगा कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश में होगा ना yes, sir. बोलो समझी या नहीं yes, sir. तो भी नहीं समझी a डैश और यूनियन b डैश में भी तो हो सकता है देखो ये देखो चलो x किस में है अगर मान लो कि 5 जो है इस सेट में है और 5 इस सेट में भी है दोनों के इंटरसेक्शन में 5 आएगा ना यस सर आएगा ना वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर x a डैश में है और x b डैश में है तो x जो a डैश इंटरसेक्शन b डैश में आएगा और सर तो फिर a डैश यूनियन b डैश में भी तो आएगा नहीं जब x बिलोंग करेगा a और x बिलोंग होगा b में तब x बिलोंग करेगा a यूनियन b में ठीक है ठीक okay, है तो ये चीज है अच्छा रवि पहले तुम्हारा जो क्या नाम था प्रीति ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ यस सर ठीक है सर लेकिन ए यूनियन बी में तो समझे ए यूनियन बी यस सर समझ गए ठीक है ठीक है अच्छा रवि मैं तुमको एक थोड़ा देर बाद कॉल करूंगी इसी टाइम में क्लास लगा हुआ है तो फिर तुमको बाद में हम समझा देते हैं ठीक है रौनक तुम मेरे को बोल रहे हो ठीक है चलो ठीक है हेलो सर बाद में बता देंगे आपको ठीक है कॉल करके ठीक है सर अच्छा ठीक है आप मुझे कॉल कर लेना मैं बता दूंगा आपको ठीक है सर Thank you.